बहुत बहुत स्वागत है। आज का स्टॉक इन न्यूज है कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड के स्टॉक को हम यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं। आज ये स्टॉक ओपन हुआ 393 के पास और इसने लो बनाया 392.50 पैसे का और हाई जा चुका है 409.80 पैसा और इसने क्लोजिंग दिया हुआ है 405.15 पैसे पे। अब हम देखेंगे कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड के स्टॉक का आज का मोमेंटम क्या था। ये आपके सामने 5 मिनट का चार्ट है जो कि ओपन किया हुआ ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक ओपन होते बराबर ऊपर की ओर जाते रहा, यहाँ पर एक उसने रेड कैंडल बनाया हुआ है 11:11 बजे के आसपास और यहाँ जो रेड कैंडल बनाया हुआ इस रेड कैंडल का मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ से बेरिश मूड या बेरिश साइन इसने दिया है, क्योंकि बेरिश साइन के लिए हम लास्ट 3 कैंडल को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ये कैंडल अगर लास्ट 3 कैंडल जो इसने बनाया उससे अगर बड़ा होता तो हम ये मान के चलते कि अब इस ट्रेंड में बेरिश ट्रेंड आ चुका है। तो उसके बाद ये फॉल्स एक बेरिश ट्रेंड था, इसको करेक्ट करते हुए स्टॉक ने ऊपर की ओर अप ट्रेंड अपना जारी रखा। यहाँ पर देखिए 409.52 पैसे पे आने के बाद यहाँ से एक करेक्शन दिया, इसने एक बेरिश कैंडल बनाया और बेरिश कैंडल ने लास्ट 3 जो कैंडल थे उनका जो साइज था उससे बड़े साइज का ये बेरिश कैंडल बना। तो हमें जो अपना पोजिशन था वो यहाँ पर 409.20 या 409 पे एग्जिट करना था और सेल के साथ में विद स्टॉप लॉस कितना रहेगा 410 का स्टॉप लॉस लगाते हुए हमको यहाँ से 402 पे एक इंट्राडे ट्रेड यहाँ पर हम ले सकते थे और यहाँ पर फिर एक बाइंग का हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। अब चलते हैं हम 30 मिनट्स के चार्ट पे कि 30 मिनट्स के चार्ट जो भी लोग फॉलो करते हैं 30 मिनट्स का चार्ट, तो 30 मिनट्स के चार्ट को अगर आप देख रहे हैं तो जैसे स्टॉक ओपन हुआ ओपन होते बराबर ये अप ट्रेंड में ऊपर की ओर ऊपर जाते रहा और उसके बाद यहाँ पर देखिए 30 मिनट के चार्ट यानी 12:15 के आसपास इसने यहाँ पर एक इनडिसीजन का सिग्नल दिया, यहाँ पे एक इनडिसीजन का इसने यहाँ पर एक कैंडल बनाया और यहाँ पर देखिए RSI जो भी है RSI का जो हमने जो RSI यहाँ पे सेट किया हुआ है वो RSI अगर हम इसको बड़ा करते हैं
तो आप क्लियरली से देख पाएंगे यहाँ पर RSI ने एक स्ट्रेट लाइन जैसे बनाया और वहां से RSI कम कम होते हुए नीचे नीचे आना उसने स्टार्ट कर दिया। तो 30 मिनट में भी हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। जैसे ही इसने अपना एक हाई बनाया और यहाँ पे अनडिसीजन दिया और उसके बाद का जो कैंडल एग्जीक्यूट हो रहा था 40870 या 40860 पे हम एग्जिट करके यहाँ पर 402 या 403 के पास फिर से ट्रेड में हम सेल और बाय का इंट्राडे यहाँ पर कर सकते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बना है 30 मिनट्स में और उसके बाद इंस्टेंटली एक बुलिश कैंडल बना जिसने यहाँ पे इनगल्फिंग जो पैटर्न है वो बनाने की यहाँ पे कोशिश की और उसके बाद फिर से स्टॉक ने यहाँ से करेक्शन देते हुए यहाँ पे इंडिसीजन बनाया हुआ है और 405.20 पे ये क्लोज हुआ है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे जो पैटर्न यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 412.50 पैसे का है। तो कल की डेट में यानी 11 अगस्त को इस स्टॉक में जो मोमेंटम होने वाला है वो करीब करीब कुछ ऐसा होगा। यहां पर देखिए यहां हमने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी है और अब हम चलते हैं, मैं इस चार्ट को जूम आउट कर देता हूं। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है वो 412 रुपीस का है। तो अगर कल ये स्टॉक मोर अबव 412 के अबव अगर ओपन होता है प्री ओपन मार्केट में और जैसे ही मार्केट ओपन हो जाता है उसके बाद ये 412 के अबव ओपन होकर नीचे आना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर एक बेरिश कैंडल कल की डेट में बनाने की पूरी प्रबल संभावना है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप एनालिसिस कीजिए, आप अपने जो टेक्निकल आप जो भी एनालिसिस करते हैं उनके साथ में इसे मैच करके देखिए कि कल ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस है डिमांड एंड सप्लाई का तो अकॉर्डिंग उसके कल ये चार्ट मोर देन 412 के अबव ये स्टॉक ओपन होगा और ओपन होने के बाद जैसे ही मार्केट ओपन हो जाता है उसके बाद ये ऊपर जाके नीचे आने की पूरी कोशिश करेगा, इसकी ये प्रबल संभावना।